गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पदबंध के बारे में जानेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। इस बार आपका जो हिंदी व्याकरण का कोर्स है इसमें ये जो टॉपिक है पदबंध ये नया जोड़ा गया है। तो पदबंध को समझने के लिए हमें सबसे पहले शब्द और पद को समझना होगा, मतलब उनके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शब्द और पद क्या होते हैं ये आप पिछली 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। शब्द और पद देखो बच्चों, शब्द क्या होता है, वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप सोच सकते हो कि अगर शब्द हमारे जीवन में नहीं होते तो हम क्या करते, सोचो। अगर शब्द नहीं होते तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता, एक मूक प्राणी के समान, है ना, जो कुछ बोल नहीं सकता। और यदि शब्द ना होते तो वह एक दूसरे से अपने विचारों को कैसे समझा पाते, एक दूसरे से अपनी भावनाओं, उनके दुख दर्द को कैसे समझा पाते। इसीलिए हमारे जीवन में शब्द की बहुत उपयोगिता है। क्यों उपयोगिता है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, और समाज में रहता है तो अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए उसे भाषा का सहारा लेना पड़ता है और भाषा शब्दों से बनी है ना। तो शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जो ध्वनियां हैं, ध्वनियों के मेल से शब्द बना है ना, लेकिन ये जो ध्वनियां हैं इनका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसी नहीं है कि ध्वनियों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं होता है। आप अगर किसी शब्द को उल्टा सीधा करके लिख दो कि ये भी तो ध्वनियों का मेल है तो वो शब्द नहीं होगा। जिस शब्द को हिंदी कोश में या हिंदी में प्रयोग करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे रोज हम दाल चावल रोटी सब्जी कुर्सी मेज आदि शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये शब्दों की जो रचना है ये ध्वनियों के मेल से बनी है, ठीक है ना। ध्वनियों के किससे बनी है? मेल से बनी है। लेकिन अगर हम इन्हीं ध्वनियों को उल्टा सीधा करके लिख दें, अलग अलग उल्टी सीधी ध्वनियों का मेल बनाकर लिख दें, तो वो ध्वनियाँ शब्द नहीं कहलाएगी। जैसे आप एग्जांपल देखो, कोयल है ना, कोयल क पे ओ की मात्रा य ल, ये क्या है? एक शब्द है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इसी कोयल को मैं ल या को कर दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। मतलब यदि इन ध्वनियों को हम उल्टे क्रम में कर दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः यह शब्द, मतलब यह एक शब्द नहीं है। शब्द के लिए कौन सी बात जरूरी है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो हम शब्द की परिभाषा कैसे जानेंगे? ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे सुंदर, कमल, घर, मनुष्य आदि, ये सभी वर्ण समूह किसी निश्चित गुण, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। अतः ये सब क्या हैं? शब्द हैं। शब्द की विशेषता क्या होती है? ये वर्णों से मिलकर बनता है, उसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व ऐसे कि एक शब्द को हम शब्दकोश यानी डिक्शनरी में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य को डिक्शनरी में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, है ना। तो शब्द क्या है? एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला है, है ना, एक ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह। वर्ण समूह मतलब स्वर और व्यंजन, जो ध्वनियाँ हैं क ख ग आई, जो ध्वनियाँ हैं उन्हें कहेंगे हम वर्ण समूह। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका निश्चित अर्थ हो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब इसके बाद हम पद के बारे में जानेंगे। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, वचन, लिंग, कारक आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र न रहकर पद की संज्ञा पाता है। मतलब शब्द तो वो का वही है। जैसे मैंने एक शब्द लिया मोहन, ये अभी मैंने जैसे खाली एक मोहन बोला, ये अभी क्या है? सिर्फ एक शब्द है, क्लियर है ना। अगर मैं कहूँ कि मोहन सोता है तो मैंने मोहन शब्द को वाक्य में रख दिया, लिंग वचन के आधार पर इसे मैंने बांध दिया, तो ये वाक्य में प्रयुक्त होकर क्या बन गया? पद बन गया, क्लियर है।
तो वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसका रूप धारण कर लेते हैं, पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः शब्द ही पद है, हम क्या कहेंगे, लेकिन शब्द और पद में अंतर होता है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। सामान्यतः शब्द ही पद है लेकिन शब्द और पद में अंतर होता है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता तब तक वह शब्द रहता है और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर वह पद बन जाता है। इसलिए कुछ लोगों ने वाक्य को क्या कहा है, पद समूह, यानी शब्दों का समूह हो गया ना। वाक्य को क्या कहा है, पद समूह का है, क्योंकि उसमें शब्द मिल मिलकर पद वाक्य में मिल रहे हैं तो उनको पद समूह भी कह सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य की संरचना में पदों का विशेष महत्व है। अगर वाक्य को हम बनाएंगे, उसका निर्माण, वाक्य को का निर्माण करेंगे तो हमें पदों को का निर्माण करना जरूरी है। जैसे कमल तालाब में खिलता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, शब्द कैसे बनते हैं, ध्वनियों से बनते हैं और शब्द से पद बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या जान सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं, है ना। समझ में आया पद और शब्द का अंतर, क्या हुआ अंतर, कि जो शब्द है, शब्द की जो सत्ता है वो वाक्य से बाहर होती है, मतलब शब्द वाक्य के अंदर नहीं है और शब्द वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। स्वतंत्र होने के कारण शब्द को जो डिक्शनरी है, कोश में प्रयोग किया जा सकता, जबकि पद क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है, वाक्य के नियम में बंधे रहने के कारण पद का प्रयोग कोश में नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले तो हमने शब्द और पद के बारे में जाना, उसके बाद हम पदबंध के बारे में जानेंगे। अब पदबंध क्या है, देखो पदबंध के बारे में हमें ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जाननी है। सबसे पहले तो पदबंध क्या है, पदबंध जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हो, जो सारा पद है, जो भी हमने पद लिखा, जैसे मैंने लिखा मोहन सोता है, है ना, तो सोने का काम कर रहा है ना, वो मोहन सोने का काम कर रहा है, एक व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है, तब उसी बंधी हुई इकाई से को पदबंध कहते हैं, मतलब वो उस वाक्य में बंध गया, सोने का काम करना उस वाक्य में बंधना हो गया। तो पदबंध की पहचान के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है कि किस प्रकार से हम पदबंध की पहचान कर सकते हैं। देखो पदबंध वाक्य का एक अंश है, मतलब जो पूरा सेंटेंस है उसे हम पदबंध नहीं कहेंगे, पदबंध जो वाक्य है उसका एक छोटा सा अंश है, अर्थात वाक्यांश। इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जो पूरा वाक्य हमने लिखा, जैसे नदी बहती चली आ रही है, तो इसमें पूरा वाक्य पदबंध नहीं है, इसमें नदी के द्वारा क्या काम हो रहा है, बहतना, बहती चली आ रही है, है ना। तो ये वाक्य का अंश हुआ, काम करना, व्याकरणिक काम जो हो रहा है ना, तो यही इस वाक्य का पदबंध हुआ, क्लियर है। अब दूसरा है, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। पदबंध, पदबंध का अर्थ क्या होता है, एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हो, इसलिए वो पदबंध कहलाते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं कि पद, पदबंध में एक से अधिक पद हो सकते हैं, पद मतलब जो हमने शब्द पढ़े थे वो शब्द एक से अधिक हो सकते हैं और वो मिलकर कोई एक ऐसा काम कर रहे हों, बंध कर एक ऐसा काम कर रहे हों, तो वो क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। अब जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें एक तो मुख्य पदबंध होता है। देखो बच्चों, प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है, बाकी पद उस पर मुख्य पद पर आश्रित होते हैं, मतलब जो भी शब्द हमने
शब्द जो वाक्य में जोड़े हैं उनमें एक ही पद जो होगा वो मुख्य पद होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी सारे पद होंगे वो सब उसके ऊपर आश्रित होंगे, मतलब उसी के आधार पर वो सारे काम कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि वह लड़का अत्यंत मेधावी, सुशील और सुंदर है, तो लड़का एक हो गया, है ना, वो कैसा है, मेधावी भी है, सुशील भी है और सुंदर भी है। तो ये सारे जो मुख्य जो आश्रित पद हैं वो इस मुख्य पद पर क्या हो रहे हैं, आश्रित हो रहे हैं। तो मुख्य पद तो एक ही है, लड़का, और ये जो सारे इसके जो गुण हैं वो इसको ऊपर आश्रित हैं। तो ये पदबंध की में ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है, इस उदाहरण में कमल पद मुख्य पद है और बाकी इस पद पर आश्रित है। जो रेखांकित पद है ना, जो रेड लाइन से लिखा लाइन की कर रखी है, तालाब में खिला कमल, तो तालाब में खिला कमल ये तीनों पद आपस में बनकर पदबंध बना रहे हैं, ठीक है ना। तालाब में खिला कमल, ये जो तीनों पद हैं ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पदबंध। क्योंकि तालाब एक शब्द है, खिला एक शब्द है और कमल भी एक शब्द है। जब इनको हम अलग अलग लिखेंगे ना वाक्य से बाहर निकाल कर, तो ये क्या बन जाएंगे, शब्द बन जाएंगे। लेकिन जब हमने इन सबको वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या बन गया, पदबंध बन गया, क्योंकि ये व्याकरण के नियमों से जुड़ गया। इसमें कारक चिन्ह जुड़ गए, इसमें क्रियाएँ जुड़ गई, है ना, तो ये सारी चीज़ें, संज्ञा जुड़ गई, सर्वनाम, मतलब ये व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक इकाई से इसमें ये काम कर रहा है। तो ये क्या बन गए, सारे शब्द पद बन गए। और इन्हीं पद जो आपस में बनकर काम कर रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। जो रेखांकित वाक्यांश है, तालाब में खिला कमल का अंतिम शब्द कमल क्या है, संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है, है ना। अब आपको ये पहचान हम जब आगे इसके पार्ट्स देखेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं उसके आधार पर पता चलेगा आपको कि संज्ञा पदबंध कौन सा होता है, सर्वनाम पदबंध कौन सा होता है, विशेषण पदबंध कौन सा होता है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण पदबंध, पांच प्रकार के पदबंध होते हैं ना। और वास्तव में मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्माण किया जाए, मतलब आपको जब पदबंध का टाइप पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए कि ये कौन सा पदबंध है, तो जो मुख्य पद होगा उसी के आधार पर हम पदबंध को निश्चित कर पाएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है या विशेषण पदबंध है। क्लियर है आपको? इसलिए जो पदबंध है उसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी परिभाषा होगी, पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो अकेला पद कर रहा है उसे पदबंध कहते हैं। यानी कमल खिला है या कमल का फूल तालाब में खिला है, तो कमल खिला है वो भी वही कमल खिलने का काम ही कर रहा है, और कमल का फूल तालाब में खिला है तो तालाब में खिलना ये अलग और दूसरे शब्द जुड़कर पदबंध का काम ही कर रहे हैं। अकेला पद भी वही काम कर रहा है और पदों का जो समूह है मिलकर भी वही काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। धन्यवाद।